कौन कौन से केमिकल फॉर्मूलास किए हैं? सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड. ओके, राइट डाउन द फॉर्मूला. Write down for sodium sulfate. Write down for sodium sulfate. Symbol of sodium. Symbol for sulfate. Valency of Na. Valency of SO4. CCl4 लिखा है. Hybridon CCl4. Hybridon ammonia. कर लिया हुआ है. चलिए आगे लिखो. NH3 is ammonia. Ammonium is NH4 positive. Ammonia is NH3. Next, write down magnesium hydroxide. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. लास्ट डेक्स, आपकी सेटिंग नहीं हो रही है तो आप बाहर जा सकते हो बेटा. नो नोटबुक, नथिंग, वी आर सिटिंग. बेटा नहीं पढ़ना, बाहर जा सकते हो. डेट इज नॉट अ कंपल्शन. उसे एक नोटबुक नहीं ली गई अभी तक आपसे. यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का OH. मैग्नीशियम की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की. Have we discussed about the polyatomic ions? बता दी हूँ मैंने आपको. बताया ना, जब भी हमने polyatomic ions लिखने हैं, वन के अलावा अगर कोई नंबर हुआ 2, 3, 4, 5, then you have to represent that in bracket. बताया है ना? चलो, जैसे यहाँ पे वन होता तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं होनी थी, क्योंकि दोनों वन वन है. अगर टू है, डेट मींस यहाँ पे एक ब्रैकेट की जरूरत है. ठीक है, हाँ, डेट मींस ये दो नंबर दोनों को जा रहे हैं. ऑक्सीजन को भी जा रहा है, हाइड्रोजन को भी जा रहा है. वो SO4 फॉर्मूला है. यहाँ पर आपने टू दिया जो वो दोनों को जाएगा, वो ऑलरेडी था. नहीं, ये कौन सा पॉलीएटॉमिक है बेटा? सीएल तो एटम है. पॉलीएटॉमिक आयंस के केस में बोल रही हूँ बेटा. राइट डाउन नेक्स्ट. सोडियम कार्बोनेट लिख लो. कार्बोनेट इज सोडियम की वैलेंसी, कार्बोनेट की. असाइनमेंट में आपको दो क्वेश्चंस हैं, एक पोटेशियम पर मैंगनेट. आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, क्या फॉर्मूला था पोटेशियम पर मैंगनेट का? लिखने का तरीका देखो. के शुड बी कैपिटल, एम शुड बी कैपिटल, N should be small, O capital. This is the Mn manganese का है, तो first letter capital, second letter जो है वो small आएगा. ठीक है, this is the formula of potassium per manganate जो आपको assignment में मिला है. एक और मैंने दिया है potassium dichromate. C2 K2. CR is chromium. CrB2O. ठीक है,
ये याद रखने हैं आप. दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. बताया दिया ना मैंने उसमें असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का. हाँ इनकी नेमिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है जो हम बनाते हैं फॉर्मूला, तो आपने इनको एज इट इज लर्न कर लेना. के एम एन ओ फोर तो आपको पता ही है, के टू सी आर टू ओ सेवन आपने याद कर लेना. और रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होनी चाहिए, यहाँ पे आर स्मॉल होना चाहिए और यहाँ पे एन स्मॉल होना चाहिए, बाकी सारे कैपिटल्स में लिखना. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Mn, परमैंगनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब यहां पर हमने क्या लगा देनी है, एक हाइड्रोजन लगा देनी है, तो दैट इज एच सी ओ थ्री. हां जी वैलेंसी. So when you crisscross them, that is NaH. इसका और नेम क्या होता है? Very good. Baking soda. आप next में पढ़ोगे कि baking soda में tartaric acid add करते तो वो powder बनता है. But अभी आपने दोनों same है आपके लिए. Baking soda. This is baking soda, NaHCl. बेकिंग पाउडर में भी बेकिंग सोडा ही डलता है, उसके साथ एक एसिड ऐड हो जाता है. यानी कि बेकिंग पाउडर की भी अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन देखोगे तो वो भी बेकिंग सोडा से ही बना है. टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं. ठीक है जी, इज दिस क्लियर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज क्या कहते हैं? गर्ल्स आपकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट राइट डाउन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जी धीरेन बोलिए बेटा. मैम जहाँ पे एच सी ओ थ्री लिखा है तो हम इसमें वैलेंसी किसकी देखेंगे, हाइड्रोजन की, कार्बन की या फिर ऑक्सीजन की? ये पूरे की बेटा, एच सी ओ थ्री पूरे की वन नेगेटिव है. मैं वो कैसे? एक मिनट उसकी तो बात सुन रहे. हाँ जी बेटा. मैम वो उसकी पूरी वन नेगेटिव कैसे है? सी व्हेन वी राइट CO3 टू नेगेटिव, इसमें अगर आपने एक H ऐड करना है तो H पॉजिटिव आएगा. CO3 पड़ा है टू नेगेटिव, वन पॉजिटिव है और टू नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा? माइनस वन. तो जब आपने HCO3 लिख दिया पूरा तो वो माइनस वन में वैलेंसी चेंज हो जाती है. ठीक है? ओके मैम. धीरेन ओके? हाँ जी बोलो आप. हाँ तो ये पोटेशियम है, ये डाइक्रोमेट है सारा. हाँ सी आर टू ओ सेवन. यस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. आगे लिखो. सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन का सिंबल वैलेंसी. वेरी गुड. सो फॉर्मूला विल बी एनए थ्री पीओ. अमोनियम क्लोराइड हो गया. सिल्वर सल्फाइड लिख लो, अमोनियम क्लोराइड लिख लो. हाँ जी बेटा, अपनी आवाज बंद करोगे ना तभी मेरी आवाज सुनेगी.
चींची चींची जो आपने लगाई हुई है, 2 मिनट चुप नहीं कर सकते हो? सल्फाइड का सिंबल लास्ट एक्स, सल्फाइड का सिंबल लास्ट एक्स पे हो आप? आर यू एट द लास्ट एक्स? सल्फाइड का सिंबल लास्ट एक्स, तुम पीछे बैठे थे ना, पीछे बैठे थे ना, देन व्हाई यू चेंज योर सीट? अब इसके बाद बाहर जाना है क्लास के, गो एट दैट एक्स, बोलो। सिल्वर का सिंबल वैलेंसी, ओके डन नाउ, ठीक है आगे लिखो। फॉर्मूलाज क्लियर हैं अब? ठीक है चलिए, मेन मेन हमने कर लिए हैं, रेस्ट वी विल बी डूइंग इन द रिवीजन आल्सो। ठीक है, इसके बाद हमने रिवीजन भी जब करनी है उसमें भी हम केमिकल फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं। आगे लिखो, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, मॉलिक्यूलर मासेस। Kg2S एक चैप्टर स्टॉम में, यही वाला जो कर रहे हैं, योग सो अभी तक आपने फॉर्मूलाज बनाए हैं, अब मैं आपको फॉर्मूलाज दूंगी, आपने उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके मुझे देना है। ठीक है, लेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल NaCl। मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, नाउ यू विल बी रिमेम्बरिंग द रूल दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, जो इवन वाले हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो ऑड वाले हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करना, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1, 4, 7, 17 and 18। ठीक है जी, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 23। पहले इसका देखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, उन सब का हमने साथ में प्लस करना, साइन शुड बी ऑफ प्लस। क्लोरीन 17 है, 17 की एक्सेप्शन है, 35 पॉइंट प्लस करो और आंसर दो। आइदर यू कैन राइट यू हियर और यू कैन राइट जी। ठीक है, बोलने आगे जी और यू। ठीक है, अभी ये मैंने आपको पहले करवा दिया, जी और यू वाला लॉजिक मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी हमने केमिकल फॉर्मूलास किए थे उसके साथ ही मैंने इसीलिए करवा दिया। ठीक है बेटा, जी भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, बताऊंगी मैं दोनों कैसे लिखना। आगे कैलकुलेट करो, HNO3 का, अब इसमें कितने एटम्स हैं? एलिमेंट्स 3 है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है? 3। अब मैं कैसे लिखवाती हूँ देखो, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 into 1, एक नाइट्रोजन है 1 into 14, तीन ऑक्सीजन है 3 into 1 is 1, 14 into 14 is 48. अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड करना है, 1 plus 14 plus 14, बट ये भी आपने शो करना है। ओके, मार्क्स कटेंगे कहाँ से आए, ये डायरेक्टली लिखोगे तो मार्क्स कट जाने हैं। If you are writing the formulas directly, marks कट जाएंगे। If you are writing the molecular masses directly,
without solving these steps, marks will be deducted. हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन का मास कितना है? नाइट्रोजन एक है, एक नाइट्रोजन का मास 14. ऑक्सीजन तीन है, एक ऑक्सीजन का 16. इन सबको प्लस कर लो और फिर नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट राइट डाउन ग्राम जरूर लिखना बेटा साथ में. K2CO3. हाउ मेनी पोटेशियम? एक पोटेशियम का मास. हाउ मेनी कार्बन? एक कार्बन का मास. हाउ मेनी ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन का मास. कैलकुलेट करो और आंसर बताओ. 138. तो इन सबको जब आप प्लस करोगे डेट विल गिव यू 138 ग्राम. बेटा मैंने कहा मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि आपने केमिकल फॉर्मूलाज किए इसके साथ ही मैंने आपको मास बता दिया. ठीक है, डेफिनेशन मैं करवाती हूँ मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट फॉर SA. एक सल्फर का 32 × 8. अगर कोई एक्स्ट्रा आया तो उसका मास गिवन होगा. जैसे हाँ, जैसे सपोज मैं वही एग्जांपल है CuSO4. यहाँ पे मैंने आपको कॉपर का मास गिवन दिया होगा 63.5. अब कैलकुलेट करो. आयरन का 56 है. करो कैलकुलेट. जशन कर लो कुछ बेटा, ऐसे देखने से सारा कुछ आपके दिमाग में नहीं रहेगा, है ना? उसकी कॉपी में भी नहीं रहेगा, आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा. हाँ जी बेटा, कितना है? 143.5. वेरी गुड. इतनी वेरिएशंस. अब देख लो. कैलकुलेट फॉर NH3. कैलकुलेट फॉर NH3. 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, तो दैट विल बी 17. अब नेक्स्ट लिखो C8H10. H10O2N4. इसका निकालो अब. C8H10O2N4. आराम से निकाल ले, भागना थोड़ी ना हमने कहीं पर. हाँ जी C8 है. C8 है.
194 is right. आगे लिखो PCL5 PCL5 आवाज लास्ट डेक फॉस्फोरस का एटॉमिक मास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉस्फोरस का मास कितना होता है? इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी 208.5 ग्राम। डन, कर लोगे अब एटॉमिक मासेस? चलिए, नाउ लेट्स शिफ्ट टू द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। अब आप जो जी लिखते हो, यू लिखते हो, वो कैसे लिखते हो, ठीक है? लेट्स शिफ्ट टू दैट नाउ। एटॉमिक मास यूनिट, जनरली जो आप एटॉमिक मास एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, वो पॉइंट्स में आते हैं, जिनको हम राउंड ऑफ करके आपको बताते हैं। जैसे ऑक्सीजन का है, हमने आपको पूरा 16 बताया है, दैट इज नॉट 16, इनकम्प्लीट, 16 पॉइंट समथिंग इज देयर, 12 पॉइंट समथिंग इज देयर, ओके? तो ये जो आपकी वैल्यूज हैं, ये बहुत सारे डेसिमल्स में आती हैं। नाउ हाउ वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग इट, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, ओके? हैव यू हर्ड द टर्म रिलेटिव? रिलेटिव फिजिक्स में, फिजिक्स में रिलेटिव टर्म पढ़ी हुई है कभी? आप आई थिंक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने मोशन का, न्यूटन्स का, कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, राइट? आपको लगता है कि जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो सारी मूव कर रही हैं। हैव यू हर्ड दिस क्वेश्चन? तो हाँ, जिसमें भी है, बैठे तो हो ना किसी में, बस में या ट्रेन में, ओके? सो विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, आप अगर किसी के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो, जैसे आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, आप किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो? बाहर सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू, कोई ट्री आ रहा है, कोई जगह आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज मूविंग। सो हेयर वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अ टर्म कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, यानी कि हम भी किसी के रिलेशन में बताएंगे, ठीक है? अगर मैंने किसी एटम का एटॉमिक मास बताना है तो मैं सिंपली उस एटम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस एटम को किसी और एलिमेंट के साथ कंपेयर करके, ठीक है, उस एटम को किसी के साथ इन रिलेशन ले जाके हम क्या कर रहे हैं, उसका एटॉमिक मास बता रहे हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज? ठीक है, नाउ इनिशियली किसी भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड चूज किया, कि मैं अपने कोई भी एलिमेंट का मास जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट बताऊंगी, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट, क्यों? क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था, ठीक है, ओके? बट यही उसका जो ड्रॉबैक था कि सबसे लाइटेस्ट है एंड हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो नहीं होती है। तो फिर हमें जो अपना रिलेटिव जिसके रिलेशन में हमने बताना था वो हमने डिफरेंट चूज किया, वी शिफ्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है? क्या कहा मैंने कि जो भी मेरे एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू बताऊंगी, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू बताऊंगी।
बट दैट वॉज ऑल्सो नॉट चूजन एज अ स्टैंडर्ड, उसको भी स्टैंडर्ड नहीं चूज किया गया. चूज का मतलब, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का ड्रॉबैक ये था कि वो ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता. ऑक्सीजन चूज किया क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, ज्यादा रिएक्ट कर जाता है चीजों के साथ. बट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या प्रॉब्लम आई, हमने ऑक्सीजन का 16 आइसोटोप सेलेक्ट किया था. ऑक्सीजन का मास 16 होता ना, ठीक है. इफ यू हैविंग आइडिया ऑफ आइसोटोप, मैंने आपको बताए हुए हैं आइसोटोप क्या होते हैं. ओके, बट विद द नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ O16 द अदर आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन दे वर ऑल्सो देयर, जो इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है, दैट वर एक्चुअली इंटरफेयरिंग. अगर मैं 16 को स्टैंडर्ड ले रही हूँ, 17 और 18 आ जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं? Yes, 16 के साथ कुछ और वैल्यू आएगी, 17 और 18 के साथ वैल्यू चेंज हो जाएगी एटॉमिक मास की. तो दिस वाज द प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन, चाहे वो कंपाउंड फॉर्मेशन ज्यादा करता है, ठीक है, बट यहाँ पर जो उसके आइसोटोप्स हैं दूसरे आइसोटोप, वो क्या करते हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन को भी क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया. देन अब जो हमारा थर्ड जो एलिमेंट हमने चूज किया है एज रेफरेंस वन, और जिसके साथ हम सारे एटॉमिक मासेस बताते हैं, दैट इज द कार्बन 12. क्लियर हो गया? अब पहले डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन. द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम The average atomic mass of an atom is expressed as the average atomic mass of an atom is expressed as the number of times it is the number of times an atom, number of times an atom of the element is heavier, the number of times the atom of the element is heavier than a carbon atom. Then a carbon atom taken as 12. Taken as 12. यहाँ पे मास ही है, वही 12 भी हो गया मास उसका. Taken as 12. हाँ जी, क्लियर है? आपके एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास है ये, ठीक है. सिंपली एटॉमिक मास भी लिख सकते हो या रिलेटिव एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म सेम है. रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू, हम किसके लिख रहे हैं, कार्बन के. तो आपके एटम का कितना मास है, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना है बाय द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन. आपके एटम का क्या मास है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास जो है उसका किसके इक्वल होगा, व्हाट इज द मास ऑफ द एटम, यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, ठीक है. सो दिस इज द एटॉमिक मास That is in relation with the carbon atom. ठीक है, definition पूछ लेते हैं. अब जो आप atomic mass express करते हो, that is इसके units, that is grams. ठीक है, gram लिख दिया यहां पे, तो ये बन जाता है gram atomic mass. ठीक है, when the atomic mass is expressed in grams, that is called as gram atomic mass. ये gram atomic mass. हाँ, तो mass के साथ ही सारा कुछ change हो जाना है. यहाँ पे तो हम mass ही ले रहे हैं,
यहाँ पे भी मास ले रहे हैं बेटा, पर हम बात ही मास की कर रहे हैं तो मास चेंज हो गया तो फिर तो हमारा सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा ना। ओके, व्हेन द मास ऑफ द एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, अदरवाइज यू कैन एक्सप्रेस दैट एज यू, जिसको आप यूनिफाइड मास कहते हो। माइनस ट्वेल्व नहीं, सी का आइसोटोप है कार्बन का।